कि लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं है, ना गैस है, ना पानी है, ना पैसे है, ना आटा है, ना एलपीजी है, ना गैर मुल्की इमदाद है, ना आईएमएफ की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। शेख साहब, आज पहला सवाल तो यही बनता है कि जेल का वक्त आपका कैसा गुजरा, मुश्किल था या आसान था, आपका जो तजुर्बा है या एक्सपीरियंस है जरा नाज़रीन के साथ शेयर कीजिएगा। ससुराल इस दफ़ा कोई अच्छा कोई आहो भगत नहीं हुई ससुराल में। 16 दिन जो है वैसे केस तो सिर्फ एक दिन मुश्किल था जिस दिन उन्होंने आंखें शाखें बांधी और 3:15 बजे से ले कर 6 बजे तक, उसके बाद जेल नॉर्मल थी। सिर्फ एक दिन वो ले गए थाना इंडस्ट्रियल एरिया से और किस जगह ले के गए मुझे नहीं पता, कौन लोग थे ये भी नहीं पता, कोई बद अखलाकी नहीं की, कोई बदजुबानी नहीं की, लेकिन जो कुछ उन्होंने सवाल पूछे उनसे मेरा तलक नहीं था, फ़ोन उनके पास थे मेरे, उन्होंने पासवर्ड मांगा मैंने दे दिया जी। बाकी ठीक, जेल में मैं चक्की में था, मैं चक्की में खुश रहता हूँ, मुझे बी क्लास पसंद ही नहीं है, तन्हाई मुझे पसंद है, सिगार पीना, और चक्की में 16 दिन में सोया रहा। और जब ससुराल वालों ने देखा मैंने कहा कोई लिफ्ट नहीं है तो मैंने कहा चलते हैं जमानत कराई। और तो शेख साहब आपने फिर सिगार वहाँ पे पिया फिर जेल में आपने सिगार? हाँ जी, हर सुबह से शाम तक सिगार, तो उनको बड़ी तकलीफ थी इसलिए मैंने ज्यादा पिए। अच्छा अच्छा शेख साहब, आप जेल को ससुराल कहते हैं और खान साहब भी जेल भरो तहरीक चला चुके हैं, तो खान साहब खुद गिरफ्तारी देने के हक में क्यों नहीं है? बहुत से लोग ये सवाल उठाते हैं, क्या खदशात हैं? दरअसल खान साहब की सियासत को ये लोग समझ नहीं पाए। देखिए, उसकी गिरफ्तारी देने वाले काफी है और अभी आधा घंटा पहले मैं आया हूँ, 41 मिनट बैठा तो मैं आया, मैंने बताया कि आज मेरा बोल पे इंटरव्यू है तो मैं जा रहा हूँ। भाई, उसकी गिरफ्तारी क्या करनी है आपको? आप उसकी जान लेने के पीछे पड़े हैं, 74 मुकदमे उस पर बनाए हैं आपने। और मैं तो आज जा रहा था आपके इंटरव्यू के बाद, गाड़ी तैयार खड़ी थी इस्लामाबाद, उसने कहा नहीं परसों जो रैली निकलनी है उसमें मैंने तो नीचे बैठे होना, तो आपने उसमें शामिल ज़रूर होना है। सो सारा प्रोग्राम धरे का धरा रह गया, अब मैं परसों रैली में शरीक होऊंगा। शेख साहब, आपकी ये जो खान साहब से मुलाकात हुई, इसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या कोई एक्सक्लूसिव कोई बात हुई, कोई ऐसी अहम बात अगर आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? देखें, 10-15 दिन बड़े अहम हैं और सुबह शायद पंजाब का शेड्यूल भी आ जाए, और KPK का गवर्नर तो आपको पता उसका रिश्तेदार है, पता नहीं क्या करेगा फजलुर रहमान का। लेकिन इस बात पर मेरे और इमरान खान की राय एक है कि अगर दिन आगे पीछे करके एक दिन इंतखाब हो जाएं और शहबाज शरीफ असेंबली तोड़ दें तो हम एक दिन इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं कौमी और सूबे का। इस पर मैं इमरान खान की राय से इत्तफाक। शेख साहब, आपको आप जो बात कर रहे हैं एक दिन के हवाले से, आपको लगता है ऐसा हो सकता है? इसके कितने चांसेस हैं? बड़ा मुश्किल सवाल किया आप। शेख साहब, लेकिन 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 आप तो मुश्किल से मुश्किल सवाल का जवाब दे देते हैं ना शेख साहब, आप बड़े माहिर हैं। ऐसा हो सकता है, एवरी डे इज नॉट संडे बट दिस इज पॉसिबल। इस पर बात चल रही जी। ठीक है शेख साहब, ठीक है, ये ऐसा हो सकता है आप कह रहे हैं। अच्छा शेख साहब, हुकूमत ने बड़ी कोशिशें की हैं खान साहब को गिरफ्तार करने के लिए, लेकिन अब तक नाकाम रहे हैं, तो PTI के कारकुनान भी जमान पाक पहुंच जाते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं फौरन जमान पाक पहुंचे खान साहब के लिए, तो क्या हुकूमत आपको कामयाब होती दिखाई देती है? और अगर ऐसा होता है तो क्या सियासी नक्शा क्या और मकबूल बनाएंगे और मजबूत बनाएंगे? देखें, खान के पास नौजवानों के दस्ते हैं, ये थके हुए लोग हैं, ये हारे हुए लोग हैं, इनके अंदर खुद नून लीग के अंदर फूट पड़ी हुई है। आज का अखबार पढ़ो, आसफ जरदारी कह रहा है मैं तो इलेक्शन के लिए तैयार हूँ। आज का अखबार पढ़ो, बिल्लो रानी कह रही है जनाब अली कि हमें सिंध के पैसे ना दिए तो हम वजारतें छोड़ देंगे। मेरा क्या इन्होंने ढोंग रचाया हुआ है, ना गैस है, ना पानी है, ना पैसे हैं, ना आटा है, ना LPG है, ना गैर मुल्की इमदाद है, ना IMF की अभी तक मंजूरी है जिस वक्त मैं आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। जी तो फिर ये क्या करेंगे जी इस मुल्क में? खाना जंगी करेंगे? क्या करेंगे इस मुल्क में? इस मुल्क की जो
खुदा मेरा गुनाह माफ़ करे, मैं दो दफ़ा कह चुका हूँ, मुझे पिंडी वाले मेरे हल्के कह रहे हैं कि शेख साहब ये मत कहें टीवी चैनल पर हमारी बेइज्जती होती है, हमारे कब्रस्तानों में लिख के लगा दिया कि अगर आपके पास कब्र के पैसे नहीं है तो इन मोबाइल नंबरों पर रिंग करें। आप देखें, मैं जो 16 दफ़ा वजीर रहा हूँ, मेरे लिए डूब मरने का मुकाम है कि मेरे जनाजा गाँव पर लोगों ने नंबर लिख के लगा दिए हैं कि अगर आपके पास तजवीज़ और तकफीन और एक कब्र की पेमेंट ना हो तो आप हमें इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करें, हम आके पेमेंट कर देंगे। ये है हाल, जेन्युइन हाल ये है कि लोगों के पास कब्र के देने के पैसे नहीं है। बाकी बातें छोड़ें आप। अच्छा शेख साहब, आपने अभी जरदारी साहब का भी जिक्र किया और बिलावल साहब के बयान भी आप सुन रहे होंगे, तो जरदारी साहब ने भी कहा है कि जी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना, कहते हैं जी राणा सनाउल्लाह साहब की सवाबदीद है, तो आपको लगता है कि जरदारी साहब स्मार्टली हाथ कर रहे हैं नून लीग के साथ, बल्कि अगर मैं कहूँगी पूरी पीडीएम के साथ? मेरा ईमान है कि उसने हाथ कर दिया, मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा, ईमान की हद तक सोचता हूं कि नून लीग का सत्यानाश कर दिया, तबाह बर्बाद कर दिया। मैं नून लीग की इस हालत का तसव्वुर नहीं कर सकता कि खुद नून लीग वाले कह रहे हैं हमें कि शेख साहब कोई हमारे लिए रास्ता निकल सकता है। मैंने कहा यार कितना रास्ता निकलेगा, और मैंने अभी इमरान खान साहब को कहा है, मैं बोल में आपके साथ शेयर करता हूं कि खुदा के लिए टिकटें ना अनाउंस करना। जी जी। उसने कहा क्या कह रहे हो तुम, कह रहे हो तुम शेख रशीद? मैंने कहा जी आपने टिकटें अनाउंस की तो पीटीआई के कैंडिडेट का पीटीआई के कैंडिडेटों से मुकाबला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा ये लाहौर, और मैंने कहा जी ये सब कुछ लाहौर। उन्होंने कहा मैं कल आपसे इत्तफाक करता हूँ। मैंने कहा शेड्यूल आए, अगर ये कट्ठी होती हैं तो कट्ठी अनाउंस करें, अलहदा होती हैं तो अलहदा अनाउंस करें। बिफोर टाइम टिकट्स अनाउंस की तो हलकों में मसले पैदा, मेरे लिए नहीं जी, मैं तो एक सीट की सियासत करता हूँ, मैं तो सूबे की सियासत नहीं करता, मेरा तो सूबों से। अभी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की जमान पार के बार, उस मोस्टली लोग सूबों में, भाई मैं सूबे की सियासत नहीं करता, आप मुझसे सूबे का सवाल क्यों करते हैं? जब मैं सूबे की ना सियासत करता हूँ ना कैंडिडेट हूँ, तो मैंने खान साहब से ये कहा कि आप खुदा के लिए अभी टिकट अनाउंस ना कीजिएगा और हालात को देख लीजिएगा, क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पीटीआई का मुकाबला खुदा ना खास्ता पीटीआई के उन कैंडिडेटों से ना हो जाए जिनको टिकट ना मिले, क्योंकि नून लीग तो फारिग है, नून लीग तो सियासी तौर पर नाहल और नालायक साबित हुई है और पुराना बदला लिया है आसफ जरदारी ने नून लीग से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। छह टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई, ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।